हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज हम बात करेंगे लिक्विड लिपस्टिक्स के बारे में। सबसे अच्छी लिक्विड लिपस्टिक्स कौन सी है? आज मैं आपको दो ब्रांड्स बताने वाली हूँ जो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है। उसमें से पहली है मिस क्लेयर। काफ़ी वीडियोस में मैंने इस ब्रांड का इस्तेमाल किया है। इसमें मेरे पास जो है 3 से 4 शेड्स मेरी किट में हैं, और उसके बाद है शुगर। ये लिपस्टिक ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस क्लेयर के बारे में। मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, इस तरह से इसका नाम जो है आता है। इसकी पिगमेंटेशन पावर जो है बहुत अच्छी है, बहुत पिगमेंटेड लिप कलर्स हैं ये। और इसका टेक्सचर जो है बहुत ही क्रीमी है, एकदम सॉफ्ट वेलवेटी फील आता है इसे लगाने के बाद। मतलब मखमल की तरह जो है हमें फील आता है ये लिपस्टिक लगाने के बाद। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि ये बहुत रीजनेबल रेंज में है। इसकी एक लिपस्टिक बॉटल जो है 280 रुपये की आती है, जो कि अफोर्डेबल है। इस ब्रांड में इतने सारे शेड्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी पूरी जो लिपस्टिक की रेंज है वो मिस क्लेयर की बना सकते हैं। उसके बाद ये लिपस्टिक जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। 7 से 8 घंटे ये लिपस्टिक वैसे के वैसे टिकती है। थोड़ा बहुत अगर हम बीच में खा पी भी लेंगे तो भी ये लिपस्टिक वैसे के वैसे रहती है। इसे बार बार टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद इसकी रेंज जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, इसीलिए भी मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास शेड 49 है, और भी मेरे पास इसमें शेड्स हैं। दूसरा शेड जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 57, जो कि लाइट ब्राउन कलर में है, और ये न्यूट शेड्स में आता है। मुझे मिस क्लेयर रेंज के न्यूट शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये एकदम भी ऐसे मैट हो जाने के बाद सूख नहीं जाते हैं। ये आपको एकदम मैट इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। इसके न्यूट शेड्स हों, ब्राइट शेड्स हों, या फिर इसके नियॉन शेड्स हों, जितने भी इसमें शेड्स हैं, ऐसा आज तक मुझे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि लिपस्टिक बीच में से निकल जा रही है, या फिर ये लंबे समय तक नहीं टिक रही है। इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है कि सिर्फ 2 स्ट्रोक में जो है ये लिपस्टिक आपके पूरे लिप्स को अच्छे से कवर कर लेती है, और उसके बाद जो है आपको टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये लिपस्टिक लंबे समय तक टिकती है। मतलब महीनों के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी जो है आपके पूरे लिप्स को कवर कर लेती है अच्छे से। तो इसीलिए मुझे मिस क्लेयर के ये सॉफ्ट मैट लिप क्रीम बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो मिस क्लेयर का लिप क्रीम है, ये NYX का, लोग इसे बोलते हैं कि NYX का ड्यूप्लीकेट है। बट अगर मैं NYX लेने जाऊँ तो एक उसकी लिपस्टिक जो है 1100 से भी ऊपर आती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसकी जगह पर मैं अगर मिस क्लेयर लिप क्रीम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे लिए बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। और दोस्तों, मुझे मिस क्लेयर की एक और बात जो है बहुत अच्छी लगती है कि ये निकालने के लिए, जब हमें हमारा मेकअप रिमूव करना होता है तो हमें ये निकालने के लिए जो है सिर्फ वेट वाइप से ये निकल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इसे निकालने के लिए। तो ये जो लिप क्रीम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ लिक्विड लिपस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं लिप क्रीम कैसे कह रही हूँ। एक्चुअली इसका नाम ही सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है, जो कि आप लिक्विड लिपस्टिक में ही कंसिडर करेंगे। और रही बात इसे लगाने की, तो ये बहुत ही इजी टू अप्लाई है। एक सिलेंड्रिकल बॉटल में ही आता है इस तरह, ब्लैक कलर के कैप के साथ, और इस तरह का इस पर जो है एक स्टिक दिया हुआ है इसके अंदर स्पॉन्ज के साथ, जिसे आप निकाल कर ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में इसका जो पिगमेंटेशन मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ आप इसे 2 बार लगाएंगे अगर अपने लिप्स पर तो आपके पूरे लिप्स जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये कारण है दोस्तों कि मुझे मिस क्लेयर
सॉफ्ट मैट लिप क्रीम बहुत अच्छा लगता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड लिक्विड लिपस्टिक के बारे में, जो कि है शुगर ब्रांड से। इसमें मेरे पास यहाँ पर है अभी शेड ड्रॉप डेड रेड। ये लिक्विड लिपस्टिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी पिगमेंटेशन भी जो है काफ़ी अच्छी है। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास ये रेड कलर, सुपर पिगमेंटेशन, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबे समय तक टिकेगा। और साथ ही में इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 550 रुपये तक आता है। और शुगर में भी बहुत ज़्यादा शेड्स जो हैं अवेलेबल है, तो इसीलिए मुझे शुगर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इजीली अफोर्डेबल है। अगर आप टारगेट रखते हैं कि आपको महीने में एक लिपस्टिक ख़रीदनी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शुगर। शुगर के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 550 रुपये हम लिपस्टिक के ऊपर जो है खर्च कर सकते हैं। और इसमें भी जो है बहुत सारे शेड्स हैं। तो फिलहाल जो है मैंने इसमें 2 शेड्स मंगवाए थे इसे ट्राई करने के लिए। तो मेरे पास और जितनी भी मीडियम रेंज में लिपस्टिक्स हैं, उसमें से मुझे सबसे अच्छा शुगर लिक्विड लिपस्टिक लगा। इसका नाम है स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक। बिल्कुल भी ये स्मज नहीं होता, वैसे के वैसे टिका रहता है आखिरी तक। लेकिन अगर आपको लिपस्टिक खाने की आदत है तो ये बीच से निकल जाएगा, वरना ये लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहती है। और इसका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी मैट इफ़ेक्ट है। और अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये एक इस तरीके से स्क्वायर बॉटल में आता है, और साथ ही में इसका जो स्टिक है उसमें ऊपर से नोक दी हुई है, और साथ में इसका स्टिक छोटा है, तो हम लोग इजीली लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैलेंस बिगड़ने के चांसेस नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये लिपस्टिक ब्रांड भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी पैकेजिंग, इसके कलर्स, इसके शेड, स्वॉचेस, मुझे सब बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे ये जो पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स हैं लिक्विड लिपस्टिक में, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप लोग भी ज़रूर ये दोनों ब्रांड्स ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये दोनों ब्रांड्स कैसे लगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।